सच बताऊं, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, बट कॉन्टेंट की कमी होने की वजह से और साथ में इनके अजीब कंटेंट देखने की वजह से मेरा जो दिमाग खराब हुआ है ना, उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। सीरियसली, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। नागीना शिटी, जो कि बहुत ही अच्छा नाम है, साले। आई एम नॉट गोइंग टू रोस्ट ऑन दैट मैटर, क्योंकि वो एक फैमिली द्वारा चूज की हुई चीज होती है एंड आर पूरा का पूरा चैनल इज फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो नगीना सिटी इज एक्चुअली टिकटॉक प्रोडक्ट, जिसको आप अभी गाली देते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जबकि टिकटॉक की कोई गलती नहीं थी, हमारे यहाँ के अजीब लोगों की गलती थी, जो कि अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबको सड़ा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ये बंदा नगीना सिटी जो है, पहले टिकटॉक पे अपने शिट फैलाया करते थे, बट नाउ ही इज ऑन यूट्यूब। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक। एंड नॉट ओनली नाउ, जब से टिकटॉक बैन हुआ है, मतलब टिकटॉक के बैन होने से थोड़ा सा टाइम पहले से थे ये थे यूट्यूब पे, जो मुझे ये कहने वाले हैं कि अरे यार तू गलत बोल रहा है, टिकटॉक के बैन होने के बाद नहीं है, ये पहले से थे और यूट्यूब का यूट्यूब की फैन फॉलोइंग है इनके पीछे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो, जब इनको टिकटॉक पे थोड़ी सी फैन फॉलोइंग पता नहीं मिल गई होगी, पता नहीं कैसे मिलेगी, आई डोंट नो, बट स्टिल जब इनको टिकटॉक पे कुछ फॉलोअर्स मिल गए ना, तब इनने यूट्यूब चैनल भी बना लिया और उसके बाद यूट्यूब का जो प्रमोशन है वो टिकटॉक पे करने लग गए। वैसे ये जो हरकत है बहुत लोगों ने की थी, इंक्लूडिंग सम एजुकेशनल चैनल लाइक अन अकेडमी एंड वेदांतु, बट स्टिल लेट्स जस्ट इग्नोर दैट। एंड इन्होंने टिकटॉक पे जा जाके ये कहना चालू किया कि देखो ये मेरा बहुत अच्छा चैनल है, प्लीज इधर आओ और मेरी वीडियोस देखो, ये बहुत बढ़िया है। एंड क्योंकि लोगों की आदत होती है कि अगर उन्होंने उनको फॉलो कर रखा है तो वो ऐसा समझते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये हमारे देवता है, ये इज अ गॉड और ये जो भी कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। तो उनको फॉलो कर रखा था और उनमें से कुछ लोग, लिटरली कुछ लोग यहाँ पे आए और इनकी वीडियोस देखी, एंड डेफिनेटली कुछ वीडियोस देखने के बाद तो कोई भी सब्सक्राइब कर ही देगा, दैट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। ओके, इतना कुछ लगातार बोलने के बाद आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, नहीं एक चीज बताओ मुझे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो जस्ट आंसर वन थिंग, कि कोई भी जो नगीना शिटी का सब्सक्राइबर होगा, ओके लेट्स जस्ट कॉल इट, कोई भी जो नगीना शिटी का फैन होगा, उसको सबसे पहले इनका नाम सुन के क्या दिमाग में सबसे पहले क्या याद आता होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। देखो, सबका एक तकिया कलाम होता है, यानी कि सब जो है, मतलब सबका तो नहीं होता, मेरा तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का होता है कि मतलब वो हमेशा आदत होती है उनकी कुछ वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंस को दोबारा दोबारा बोलने की, really, nigga? जैसे कि हमने बहुत सारी कॉमेडी सीन्स में देखा है, बट ये मतलब यार नहीं, तुम सीरियसली बताओ, कोई भी इनका फैन सब्सक्राइबर या कोई भी जो इनका नाम जानता है, इनकी वीडियोस देखी है, इनका नाम बोलो और दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, जिन लोगों को फिर से ये प्रॉब्लम हो रही है कि और तुमने तो यार नगीना सिटी को टिकटॉक का प्रोडक्ट बता दिया, इसका मतलब तुमने तो उनकी बेइज्जती कर दी। एक्चुअली रोस्टिंग का मतलब वही होता है, हल्का फुल्का बेइज्जती मजाक के साथ, लेकिन फिर भी हाँ मैंने उनकी बेइज्जती कर दी। ओहो यार, तुम कितने अगर डम हो, यू गाइस आर सीरियस डम। नहीं तुम बताओ यार, हाथी को हाथी नहीं कहेंगे, उल्लू को उल्लू नहीं कहेंगे, गधे को बेवकूफ नहीं, गधे को बेवकूफ नहीं कहना चाहिए क्योंकि गधा बेवकूफ नहीं होता है, बट गधे को बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दिस इज द फैक्ट, मैं कोई मतलब बना के नहीं बता रहा हूँ, नगीना शेट्टी इज एक्चुअली अ शिट ऑफ टिकटॉक, प्रोडक्ट ऑफ टिकटॉक, व्हाटएवर, ओके। नाउ जो मेरे से ये कहने वाले कि हाँ तेरे तो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तू बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बना के व्यूज पाना चाहता है, तो तुम सही सोच रहे हो, ऑफ कोर्स दिस इज द रीजन व्हाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। बड़े हरामी हो बेटा, व्यूज के लिए तो सब वीडियो बनाते हैं यार। अब तुम नहीं देखना चाहते तो मत देखो, आई डोंट केयर, अगर तुम नगीना शिटी की वीडियो देखना चाहते हो, आथू देखना चाहते हो, तो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। So that is for today guys, और अगर आप लोगों को ये वीडियो फनी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि
क्या आप नगीना शेट्टी को जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो आई एम सॉरी, मैंने बता दिया। अब प्लीज उनके चैनल पे जाना मत किसी भी तरीके से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी शेट्टी इंसान को जानो। तो थैंक यू वेरी मच।